नमस्कार दोस्तों, मैं संजय। स्वागत है आपको मस्ती क्लब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि व्हाट्सएप के प्रोफाइल फ़ोटो किसी का भी किस तरह अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। दोस्तों इस ट्रिक को उपयोग करने के लिए आपको किसी अदर एप्लीकेशन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। सिर्फ आपको कुछ सेटिंग करना होगा। सेटिंग क्या कुछ करना होगा, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह आप अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं किसी का भी प्रोफाइल फ़ोटो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने के पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी दबा दें। दोस्तों इस तरह का ट्रिक वीडियो मैं लाता रहता हूँ इस चैनल पर, तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, व्हाट्सअप खोलते हैं। तो जैसे कि मैंने ये खोल लिया है व्हाट्सअप, तो मैं ये फ़ोटो को सेव करना चाहता हूँ। तो इस फ़ोटो को मैं सेव करना, तो इसके ऊपर डबल क्लिक करें, फिर उसके बाद यहाँ पे देखें शेयर का ऑप्शन है कोने पे, देखिए तो इसके ऊपर क्लिक करें। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट में लिखा हुआ है सेव टू गैलरी, तो इसको सेव टू गैलरी पर क्लिक करें। सेव टू गैलरी, ये गैलरी में जाकर सेव हो गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप फाइल में जाकर देखते हैं कि ये सेव हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसको पहले फाइल में जाकर देखते हैं। फाइल में जाने के बाद व्हाट्सएप में चलें, व्हाट्सएप, उसके बाद मीडिया में चलें, मीडिया के बाद देखिए व्हाट्सएप प्रोफाइल फ़ोटो, उसके बाद व्हाट्सएप प्रोफाइल फ़ोटो में चलें। तो देखिए दोस्तों, ये अभी मैं फ़ोटो को सेव किया था, तो देखिए ये आ गया। इसी तरह आप अपने मोबाइल में भी किसी का भी गैलरी फ़ोटो सेव कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय दोस्तों।